नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त श्रीमती विनीता साहू, इनको गुप्त जानकारी मिली थी कि कुछ लोग टोसिलिजुमैब इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को यह जानकारी मिलते ही पुलिस दस्ते के साथ रविनगर से लॉ कॉलेज की ओर जाने वाले रास्ते पर रवि मेडिकल के सामने पल्सर पर बैठे एक युवक की तरफ नजर रखे हुए थे। पुलिस की पूछताछ के बाद युवक ने अपना नाम सचिन अशोक गेवरीकर और उम्र 20 साल, रहना मोहगांव, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से बताया। और उसके बाद जब युवक की तलाशी ली गई, तब उसके जेब में से एक्टिमा कंपनी के टोसिलिजुमैब इंजेक्शन पर वो दो मोबाइल जब्त किए गए। इसके साथ ही दो अन्य व्यक्तियों का इनमें समावेश होने की जानकारी मिली है। सोनू जीवनलाल बाकड़ और अविनाश नागभे से रामपर लोलर वैश्य, यह साथ होने की जानकारी मिली है। यह इंजेक्शन की कीमत 1,65,000 बताई जा रही है। वहीं कामती परिसर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर शहर के कामती परिसर में पुलिस प्रशासन ने रेती चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो पता चला कि यह माल 1,28,00,000 से भी ज्यादा कीमती का है। आरोपियों को 2 दिन की हिरासत में रखा गया है। यह जानकारी पुलिस को गुप्त तरीके से मिली थी। कन्हा नदी से कुछ लोग अवैध तरीके से रेती चोरी कर रहे थे।